हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहता है। इस शो को फैंस देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, पर क्या आपको पता है कि हर किसी को इंतजार है इस शो में दया बेन यानी कि दिशा वकानी की वापसी का। पर वो है कि इस शो में वापसी करती ही नहीं है और ना ही लंबे वक्त से किसी ने दिशा वकानी को देखा है। वो कहाँ है, क्या कर रही है और किस हाल में दिखती है। तो चलिए गाइज, अगर आपके मन में भी है उन्हें देखने की इच्छा तो मैं आपकी इच्छा कर देती हूँ पूरी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले एक यूट्यूबर है वो दिशा से मिलने गया है, क्योंकि दिशा के वो बहुत बड़े फैन हैं। और ऐसे में ये यूट्यूबर कपल दिशा वकानी के घर पहुंचा उनसे मिलने के लिए। जी हाँ, दया बेन को हर कोई एक बार फिर से देख सकता है। आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना ज्यादा 5 सालों में बदल चुकी है दया बेन। पहले दया बेन काफी ज्यादा कमज़ोर, काफी ज्यादा हसीन लगती थी। यूं तो वो अभी भी हसीन दिखती हैं, लेकिन अब वो घर गृहस्थी में इतनी ज्यादा बिजी हो गई हैं कि मेकअप करने का उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है। 2 बच्चों की माँ बन चुकी है दिशा वकानी, और अब ऐसे में वो सबसे ज्यादा जो ध्यान है ना, वो अपनी स्किन का नहीं, अपने मेकअप का नहीं, अपने कपड़ों का नहीं, बल्कि अपने बच्चों का रखती है। बता दूं कि मजाक में दिशा ने अपने यूट्यूबर फैन को ये भी कहा कि अरे अरे, मेरी फोटो को जरा अपलोड करने से पहले ऐप से ना मेकअप कर देना। मैंने मेकअप नहीं किया, मुझे मेकअप करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। वैसे भी हम सब जानते हैं कि दिशा वकानी जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आती थी तो माता रानी कह के भैया सबका दिल जीत लेती थी, और फैंस को उनकी वापसी का बहुत लंबे वक्त से इंतजार था। पर वो है कि वो शो में कमबैक नहीं करती, क्योंकि वो साफ कह चुकी हैं कि वो अपने बच्चों को प्रायोरिटी मानती हैं और उनके करियर से ज्यादा उनके बच्चे उनके लिए हैं जरूरी। तो ऐसे में गाइज, ये तो बात बिल्कुल साफ है कि जो दिशा वकानी है वो शो में तो नहीं आ रही, लेकिन आपको 5 सालों बाद दिशा की असली झलक एक बार फिर से देखने को मिलने का मौका मिल गया है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।